फसला केवल और दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन इमाम الاولین والآخرین इमाम الانبیاء والمرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں دو قبلے بھی اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیے दो हरम भी अल्लाह ने किसी और नबी को नहीं दिए। अल्लाह 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 मेरे और आपके महबूबा का रब कुदूस की बरगाह में अर्ज करते हैं, हे मौला इन्ना इब्राहीम हर्रमा मक्का था, इब्राहीम मेरे जद्दे करीम ने मक्के को हरम बनाया, मैं मदीने को हरम बना रहा हूँ। امام الانبیاء والمرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولى الثقلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين الواصلين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين أمن الناس بر مولاي ما كلمة अव्वले से नाए माँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं सबसे पहले खतीबे आजम
हमारी शान भी है, इनमें तकवा भी है, इल्म भी है, इखलास भी है। इनका और यहाँ की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे मिस्कीन को इस काबिल समझा गया। यकीन कीजिए मुझसे कबल इन दोनों अहबाब ने खताबत का भी, इल्म का भी, अकीदे का भी, निकाती का भी और मामला फहमी के साथ और मामला को समझते हुए मामला समझाने का भी हक अदा किया। बहुत उम्दा बयानात हुए हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, जोरे बयान में, इदराक में मजीद इजाफा फरमाए। मैं आपका एक खादिम हूँ। बहुत मुश्किल काम होता है अपने किसी बंदे को तस्लीम करना, बड़ा मुश्किल काम होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सब अहबाब आप हमारा सरमाया है। आपने भी कमाल कर दी, बड़ी मजबूत और इल्मी किताबें पेश की हैं। अल्लाह ताला ऐसे और हमारे कराम का साया हमारे सरों पर कायम हो जाए। याद रखिए जिस तरह अकीदा बयान हुआ, ये अकीदा हमारा नहीं है। पहले ये इस बात को सुन लो, खुदा की कसम यही अकीदा सहाबा और आले बैत के साथ। सहाबा कराम का भी यही अकीदा, आले बैत अतहार का भी यही अकीदा, आइमा मुज्तहिदीन इमाम आजम का, इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद हम्बल का यही अकीदा, तमाम औलियाए कामलीन का यही अकीदा, तमाम उलमाए हक का यही अकीदा। और ये 1400 साल से अकीदा आ रहा है। सुनिए माशाल्लाह दलाइल आपने बहुत सुने हैं। पहले अफजलियत सिद्दीक अकबर पर इजमाए सहाबा था। सहाबा का इजमा जब हम कहते हैं, लेकिन अफजलियत मुतलका के लिहाज से अलमुतलक और यजरी अला इतलाकी, यानी अफजलियत मुतलका आपको समझाऊं कि जहां कोई कैद ना साथ लगानी पड़े, कि इस लिहाज से अफजल कैद जब ना लगानी पड़े, सिर्फ अफजल कहा जाए तो ये शान सिद्दीक अकबर की। शुरू हो उसको क्या कहते हो? बुकरा।
तो जो फजरे अव्वल है इस्लाम की इस्लाम की जब फजर तुलू हुई तो उसमें चमकारा जो लगा वो है अबू बकर पहली शाम वाला अंदाजा करें। वैसे तो अब्दुल्ला नाम है और हजरत ये भी फिर कभी मौजू होगा, अब्दुल्ला की भी है, उमर की भी है, उस्मान की भी है, अली की भी है। तो अबू बकर आपको कहा गया, याद रखो मैं और आप तो आज नाम दे, मुझे भी नकमे को भी मेहरबानी करके अलकाब देते हैं, मगर जो लकब अल्लाह के महबूब के सामने दिया गया वो वैसे नहीं था। फिर आपका नाम अतीक भी है, हाय हाय हाय, अतीक के माना नारे जहन्नम से भी बचा हुआ, हर अजाब से बचा हुआ, और खूबसूरत के मानों में भी है, खूबसूरत भी और खूबसूरत भी। और फिर सिद्दीक, मौला मुर्तजा शेरे खुदा है, हैदरे करार आपकी अपनी शान है जनाबे, मौला मुर्तजा फरमाते हैं ऐ अबू बकर सिद्दीक तेरा नाम तुझे जमीन वालों ने नहीं दिया कि वहां से आया है, शिया की किताबों में भी है, वहां से आया है। और ये और वहां बैठे में ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, सिद्दीक फिईल उनके वजन पर सीगा, एक एक होता है सादिक, एक होता है सुदूक, एक होता है सिद्दीक। हाय हाय, सिद्दीक किसको कहते हैं? ये ऐसा सीगा है, इसके माना ये हैं, उठे तो सच, बैठे तो सच, बोले तो सच, चले तो सच, गांव में जाए तो सच के साथ, बाहर आए तो सच के साथ, कब्र में जाए तो सच के साथ। जो पूरी जिंदगी सच से जुदा ना हो, ना सच उससे जुदा हो, एक लम्हे के लिए भी जो पूरी जिंदगी सच से जुदा ना हो, सच उससे जुदा ना हो, अब ताके बाद अज बसाल फरमाया यहां ले आओ। हाय हाय हाय, ये फिर मैं बयान करूंगा, लेकिन आ गई बात, जनाबे सिद्दीक अकबर ने वसीयत की, मेरी बाड़ी ले जाना, मेरे दिल तो करता है लेकिन आका के कब्रे अतर से आवाज आए तो पास दफन कर दे। और खुद मौला मुर्तजा उतरे, कब्र जब खोदी गई और कब्र से पहले जब बाड़ी रखी गई ना, तो कब्रे अतर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, आवाज आई, दरवाजा खुद खुल गया, कमरा था ना, दरवाजा खुद खुल गया, आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, एक साथ खुद खुल पढ़ रहे थे, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन, हबीब को हबीब के पास ले आओ, हबीब को हबीब के पास ले आओ, हबीब अपने हबीब का मुश्ताक है। तो जब ये ले गए ना, कब्र खोदी गई, तो मौला मुर्तजा नीचे उतरे तो कहते हैं मुस्कुराने लगे, किसी ने पूछा ये क्या, तो आपने कहा कि मैं देख रहा हूं कि अल्लाह का हबीब कब्र को साफ कर रहे हैं। हालांकि वो आपकी शान, तो मैंने पूछा आका ये क्या, कहा गार इसने साफ की थी, मजार मैं साफ कर रहा हूं।
और एक और आयत है ये पर हमा मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे और आपके महबूब आका फरमाते हैं, जिस किसी ने भी मुझ पर एहसान किया मैंने इस जिंदगी में उसके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर इसके एहसाना, हालांकि वो एहसान नहीं था, वो तो खादिम थे, लेकिन सरकार का करम है ना, और मेरे मुझ पर जो इसने एहसान किया इसलिए अमन्नन्नास, सरकार ने खुद फरमाया। तो इसी को इकबाल ने अपने शेर में तो फरमाया कि वो इसका बदला रब गर्मी और कियामत में देगा। अब आप अंदाजा करें कि आपकी वालदा माजिदा, आपके वालिद बचपन में ले गए बुतखाने में तो जनाबे सिद्दीके अकबर अकड़ गए ना, उन्होंने कहा सजदा कर, क्योंकि उस वक्त इस्लाम तो नहीं आया था ना, आपने कहा नहीं करूंगा। बाप ने कहा क्यों नहीं करोगे, बस नहीं करूंगा। बाप जरा गुस्से हुए तो बुद्ध को मुखातब करके कहने लगे सिद्दीके अकबर तो मैं भूखा हूं खाना दो, मैं नंगा हूं कपड़े दो, आवाज नहीं आई ना तो पत्थर उठाया, अच्छा फिर अपने आप को बचाओ, पत्थर मारा बुद्ध की नाक टूट गई। माना ये देखे जो अपनी नाक नहीं बचा सका वो खुदा कैसे हो सकता। बाप ने मारा, मारते मारते घर ले आए, वादा कहने लगी इसको छोड़ दो, मैं आपको आज बताती हूँ, ये जब पेट में था तो मैं जब बुद्ध को सजदा करने जाती थी तो पेट में उछलता था, सजदा नहीं करने देता था, पर मैं जब ये पैदा हुआ तो आवाज आई या अमत अल्लाह ए अल्लाह की बंदी हम तुझे बशारत दे रहे हैं उसकी जो अतीक भी है सिद्दीक भी है, जो आखिरी जमान नबी का गुलाम भी होगा, और ये मुझे आवाज आई थी हातिम से, इसलिए इसको अपने हाल पर छोड़ दो। हालांकि उस वक्त सरकार ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, और खुद फरमाती सिद्दीक अकबर कि मैं सफर पर होता था, कभी बादल आ गए कभी बुहैरा राग, उनने भी बातें की बड़ी तफसील है। तो एक मरतबा सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा, ख्वाब क्या देखते हैं कि आसमान का चांद मेरी गोद में आया, ख्वाब ये देखा आसमान का चांद चौदहवीं रात का चांद मेरी गोद में आया। तो आए जब तो अल्लाह के महबूब ने जब दीन पेश किया फौरन बगैर किसी एजिटेशन के तरद्दुद के फौरन का सरकार कलमा पढ़ा, क्योंकि ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार थे। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैंने जिस किसी पर भी दीन पेश किया कुछ ना कुछ वो रुका झिझका सोचू में पड़ गया सिवाय अबू बकर, जरा एक लगे के लिए भी तरद्दुद नहीं किया, लेकिन पूछ ईमान लाने के बाद पूछा ए अल्लाह के महबूब सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों को कहूंगा जाकर बताइए आपकी नबूवत की दलील क्या है। ईमान लाने से पहले नहीं, ईमान लाने से पहले पूछना और है, ईमान लाने के बाद पूछना और है। सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया वही जो तूने शाम के सफर में ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था कि आसमान का चांद चौदहवीं रात का तेरी गोद में आ गया, यही मेरी नबूवत की दलील है, और अनकरीब गारे सौर में तेरी गोद होगी मेरा सर होगा। अब आप देखें तो सही ना क्या सटीक है कि ये सारे कमालात उसके हैं जिसे सब ने सिद्दीक़े अकबर कहा है। और अभी आप सुन रहे थे और सैयदना पीर मीर अलीशाह साहब का ये फतावा जो है गोड़ा शरीफ से प्रिंट हुआ है, फतवा खुद सैयद पीर मीर अलीशाह साहब का नहीं, फतवा उनके एक गुलाम मुफ्ती का है, लेकिन ये लिखा हुआ है उसमें हुक्म जनाबे सैयदना पीर मीर अलीशाह साहब के हुक्म से मैं तहरीर कर रहा हूं, तमहील ही का हवाला है। अब
शिकूर सालोनी का हवाला है, तो गोला शरीफ से प्रिंट हुई है, इसलिए मोर तो लग गई ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब इतनी बातें जमा हो जाएं और यही सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला है, अल्लाह इनके दर्जे मजीद बुलंद फरमाए। एक बात चली इमामत की, इमामत सिद्दीक अकबर की, एक साहब कहने लगे ये क्या हुआ फिर, इमाम तो मफजूल भी हो सकता है। और मत समझते इस बात को कि बाज़ औक़ात इमाम कोई खड़ा है बड़े दर्जे का भी कोई बुजुर्ग आ जाए तो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, तो मफजूल यानी जो अफजल ना हो वो भी तो इमाम हो सकता है। तो इमाम के सिद्दीक कोई अफजलियत की दलील नहीं। तो पीर मेर अली शाह सफर मानने लगे जालिम तू समझा नहीं, तो समझा नहीं, इमामत में फर्क है, एक है वैसे इमाम बना लेना, एक है सरकार फरमाए अबू बकर के बगैर कोई और खड़ा ना हो, मुरू अबू बकर, अबू बकर को खड़ा करो, अबू बकर को खड़ा करो। ये भी कब हुआ था, जब फारूक आजम की आवाज आई अल्लाह मौला को कहा कौन जमात करा रहा है, कहा उमर, कहा ला ला ला, तीन बार फरमाया ला 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 या अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल इनकार कर रहे हैं इल्ला फिर अबू बकर, सिवाय अबू बकर के कोई और इमाम ना। था मेरे होते हुए मेरे महबूबा का ने कायनात के वाली ने अपने मसल्ले पर तुझे खड़ा किया, तो अब तुझे पीछे करने वाला कौन है। अल्लाह हू अकबर। जरा आप अंदाजा तो करें, एक मौके पर एक बुजुर्ग ने ये बात की थी, ये मेरी नहीं है, उन्होंने कहा था कि मस्जिद अक्सा में सारे नबी आ गए, सारे रसूल आ गए, मुसल्ला इमामत खाली है, जब आका आए तो जिब्रील ने कहा आका मुसल्ला आपका इंतजार कर रहा है, क्यों कि आका सबसे अफजल थे। जब आका सबसे अफजल थे सारे नबी पीछे हैं, रसूल पीछे हैं, इसी तरह सारे सहाबा पीछे हैं, मुसल्ला खाली है, सिद्दीक अकबर का इंतजार हो रहा है। जिस तरह वो अफजलियत की इमामत थी, इसी तरह ये भी अफजल की इमामत है। और फिर सर आप थोड़े थोड़े चूंकि हमारे उलमा ने बड़ा मजबूत बयान किया है, अब आप देखें कि एक मौका पर, एक जंग के मौका पर, हाय 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 हाय, एक खातून ने ख्वाब देखा कि उसके सहन में एक बेरी का दरख्त था या कोई और दरख्त होगा, वो गिर गया। वो आई से ताज से, क्योंकि बेटा उसका नखामद उसका जंग के लिए गया हुआ था, वो सरकार के पास आई ख्वाब बयान की, तो हकीकतन उसका खामद शहीद हो गया था। सरकार ने फरमाया तेरा खामद अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद हो गया। अब वही खातून जब बाहर निकली रो रही थी, सिद्दीक अकबर आ गए, सिद्दीक अकबर आ गए, पूछते हैं क्या हुआ, कहा कि बस मैंने ये ख्वाब देखा तो जंग में मेरा, आपने कहा नहीं इसकी ताबीर तो यह, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि सरकार ने फरमा दी है, ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा,
कहा इसकी ताकीद तो यह है वो जिंदा है और आ जाएगा, वो जिंदा है और आ जाएगा। वो घर गई, थोड़ी देर के बाद खामद आ गया, खामद आ गया जिंदा। हैरान हो गई कि नबी की जुबान से जो लफ्ज निकले माशाल्लाह गलत हो नहीं सकते, ये क्या मामला। फिर आ गई, फिर जब आई तो आका मुस्कराए, आका ने कहा तेरा खामद शहीद हो चुका था, तेरा खामद शहीद हो चुका था, लेकिन मेरे सिद्दीक के मुंह से जब लफ्ज निकले कि वो जिंदा है तो रब ने कहा इजराइल रूह वापस करो। उसकी वजह ये थी कि खारजी पैदा हो गए थे, जब खारजी पैदा हो गए जनाबे मौला मुर्तजा के दुश्मन पैदा हो गए, तो उस वक्त सहाबा इकराम ने भी अहादीस जो उनके फजाइल में थी कसरत से बयान की है। ये इस बात को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जनाबे मौला मुर्तजा का जो दौर था वो सहाबा से के बाद का दौर है, और सिद्दीक अकबर के दौर में सारे सहाबा इकराम थे। तो अब वो सारे सिद्दीक अकबर के साथ, जब मैंने आपको कुरान अजीम की आयात जो पढ़कर सुनाई है जो कि क्लियर जनाबे सिद्दीक अकबर में, एक है फजाइल की कसरत, एक है रिवायत की कसरत। फजाइल एक भी हो ना, अगर फजीलत ऐसी सिर्फ एक, मसलन कुछ भी ना होता, सिर्फ सिद्दीक अकबर ही साबित होता तो इसमें सारे फजाइल आ जाते हैं। है? जब ये बात है तो इसलिए कसरत की बात नहीं है, बात है कसरत फजाइल की। रिवायात आई है क्यों, कि जब मौला मुर्तजा के दुश्मन पैदा हो गए, उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया, तो सहाबा इकराम ने रिवायात कसरत के साथ बयान की। इसका माना अफजलियत नहीं है, फजीलत है। ठीक है ना, और कोई सवाल? जी बिस्मिल्लाह। अब क्यों कि जनाब, अच्छा यार एक और भी बात समझ लो ना, खुद जब मौला मुर्तजा सिद्दीक अकबर को इमाम मानकर उनकी अफजलियत बयान कर रहे हैं, ये भी रिवायत पक्की है। दो रिवायतें, एक ये है कि जनाबे मौला मुर्तजा से पूछा गया कि अफजल कौन है, आपने कहा नबी पाक के बाद अफजल सिद्दीक अकबर और उनके बाद उमर फारूक है, एक ये है। और एक रिवायत यह है कि अगर मैंने सुन लिया कि मुझ पर, मुझे किसी ने अबू बकर और उमर पर फजीलत दी तो मैं उसे मुफ्तरी की सजा दूंगा, मुफ्तरी की सजा। और मैं, मेरे पास जनाब इसकी तकरीज मौजूद है, पक्की पक्की रिवायत। तो जब जनाबे मौला मुर्तजा काफी फरमा दें तो इसलिए एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है वैल्यू, एक होती है तादाद। मैं आपको बेटा ये बता दूं, 5,000 का नोट हो वो एक ही है ना, और 1,000 के सिक्के हो वो गोद भरी जाएगी, गोद भरी जाएगी, वजन भी बहुत होगा मगर होगा 1,000, और नोट वो एक एक ही है, इसलिए क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी नहीं। बस इस बात को मैं आखिर
होगा तो बिस्मिल्लाह। क्वांटिटी के लिहाज से यकीनन रिवायात चुके खारजियों की वजह से, मगर क्वालिटी के लिहाज से जो रिवायात से दी गई